नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। पूरे भारत में कर्फ्यू का माहौल है और हम सब अपने घर में लॉकडाउन हो चुके हैं और रोज हम अपने घर वालों को क्या नाश्ता दें, यही एक हमारे सामने प्रश्न खड़ा रहता है। तो आज मैं आपके साथ में दाल का बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी करारा नाश्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाने की सामग्री लगभग हमारे घर पे मिल जाती है और ये बहुत ही टेस्टी है। दाल का नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है। दोस्तों, मैंने पीली मूंग की दाल ले ली है। पीली मूंग की दाल को मैंने 2 घंटा भिगो दिया था। आप इसे 2 नहीं तो 3 घंटा ही भिगोइए, ये नाश्ता बनाने के लिए इतना काफी हो जाता है। मैंने 1 कप भीगी हुई मूंग की दाल ली है। दोस्तों, कर्फ्यू के माहौल में हमें कोई भी सामग्री ठीक से नहीं मिल रही है। ये दाल है वो बहुत ही छोटे दानों वाली आई थी। ये दाल जो मैंने मंगवाई है दोस्तों, वो बहुत ही छोटे दानों वाली मिली। दोस्तों, अभी इस माहौल के अंदर हमें जो भी सामान मिल रहा है हम बिल्कुल वैसा ही यूज कर रहे हैं। अब मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्च डाल देती हूँ। हरी मिर्च का तीखापन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक के टुकड़े। दोस्तों, हमारे यहाँ पे अदरक और मिर्च मिल रही है तो मैं उसका उपयोग कर रही हूँ, पर अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं सारी सामग्री को चर्न कर लेती हूँ। मैंने मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है, इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। मैंने इसे पीसते समय बिल्कुल भी पानी का उपयोग नहीं किया है। मैंने 20 कड़ी पत्ते लिए हैं। कड़ी पत्तों को मैं ऐसे हाथों से कट कर लेती हूँ। हमें इसी प्रकार से इसे फ्रेशली ऐड करना है। दोस्तों, कड़ी पत्ते का इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। कड़ी पत्ता, जिसे करी लीव्स भी कहा जाता है, मैंने वो लिए हैं। दोस्तों, मेरे पास अभी धनिया भी अवेलेबल, तो मैं इसके अंदर करीबन 1/4 कप जितना धनिया डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना मिले तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टीस्पून साबुत जीरा, साबुत जीरे का इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, 1/8 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून का हाफ 1/8 टीस्पून होता है, उतना मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। अब मैं सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता तैयार होता है। अगर आपने इसे एक बार खाने का शुरू किया तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ये इतना टेस्टी बनता है। सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डाल देती हूँ। खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, वो डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, दाल थोड़ी हैवी होती है पचाने के लिए, तो इसलिए हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, जिससे ये बहुत ही लाइट और फ्लफी हो जाएगी और डाइजेशन में ईजी हो जाएगी। हमारा सारा मिश्रण तैयार हो चुका है। दोस्तों, इस प्रकार की जो सेवपुरी की पूरी आती है वो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं इसके ऊपर ये मिश्रण को लगाऊंगी और फिर मैं इसे तलूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं इतनी क्वांटिटी में इस मिश्रण को लगाऊंगी। अब मैं नाश्ते को तल लेती हूँ। मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं चेक कर लेती हूँ तेल गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ दोस्तों, ये गर्म हो चुका है। ये देखे दोस्तों, अभी हमने जो पूरी के ऊपर मिश्रण लगाया है वो रेडी हो चुका है, जो मैंने अभी आपको बताया है। जो मिश्रण वाला हिस्सा है उसे हम तेल के अंदर डाल देंगे और जो पूरी होगी वो ऊपर रहेगी। जैसे मैं आपको वीडियो में सिखा रही हूँ बिल्कुल आप उसी प्रकार से इसे तलिए। हमें एक साथ में बहुत सारा नाश्ते को नहीं तलना है, हम थोड़ा थोड़ा नाश्ता ही तलेंगे, जिससे तेल का तापमान मेंटेन रहेगा और नाश्ता ऑयली नहीं होगा। मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर तल रही हूँ। एक साइड से ये अच्छे से तल चुका है, अब मैं इसे पलट लेती हूँ और दूसरी साइड भी तल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। हमें बिल्कुल इसी प्रकार से इसे तलना है। देखिए दोस्तों, है ना टेस्टी, जिसे देख के ही खाने की इच्छा हो जाए। ये इतना टेस्टी और करारा तैयार हुआ है। मैं इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेती हूँ और बाकी का नाश्ता भी बिल्कुल इसी प्रकार से तैयार कर लेती हूँ।
ये देखिए दोस्तों, जिसे देख के ही खाने की इच्छा हो जाए वैसा क्रिस्पी और करारा तैयार हुआ है। जैसे मैंने आपको सिखाया है बिल्कुल आप वैसे ही स्टेप फॉलो करके इसे तैयार कीजिए। बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। और अगर आप इसमें प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को अवॉइड भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी ये बहुत बढ़िया तैयार होगा। मैं आपको इसका करारापन है उसकी आवाज सुनाती हूँ। है ना क्रिस्पी और करारा। तो देर ना करते हुए अभी दाल को भिगोइए और 2 घंटे में तो दाल भीग जाती है, तो आप तुरंत इसे बनाइए और अपने घर वालों को सर्व कीजिए। और इस कर्फ्यू के माहौल में इसी प्रकार की बढ़िया बढ़िया रेसिपीज अपने फैमिली वालों को खिला के उन सबको खुश कर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर, और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।